दोस्तों अनार के प्लांट्स में अभी फ्लोरिंग स्टेज शुरू है, फ्लावर्स निकल रहे हैं और फ्रूटिंग स्टेज भी शुरू हो चुकी है, फ्लावर से फ्रूट बनने लग गए हैं। तो अभी से फंगस जनित डिजीज को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन कैसे आप बना सकते हैं, उसके साथ ही बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करना है, इंसेक्ट को भी कंट्रोल करना है क्योंकि बारिश का सीजन है तो इंसेक्ट का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ। लाइव आपको घोल तैयार करके दिखाएंगे क्योंकि हम भी हमारे अनार के प्लांट्स में इस कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं। तो आप बेझिझक, फ्लोरिंग स्टेज है या फ्रूटिंग स्टेज है, बेझिझक अपने अनार के प्लांट्स में इसका स्प्रे कर सकते हैं और सभी तरीके की डिजीज से, इंसेक्ट से आप अपने क्रॉप को, अपने प्लांट्स को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे तैयार करना है, कैसे इसका यूज करना है, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहें। तो सबसे पहले दोस्तों अनार में बैक्टीरियल डिजीज कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले घोल तैयार करना है बैक्ट्रीमाइसिन। टीस्टेन कंपनी का ये आता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज किया जाए, जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो सबसे बेस्ट रहेगा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की जगह आप बैक्ट्रीमाइसिन यूज करें। बैक्टीरियल ब्लाइट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। अभी हवाएं चल रही हैं, बारिश आ रही है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो ऐसी सिचुएशन में बैक्टीरियल डिजीज का कंट्रोल होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो प्रिवेंटिव ही आपको एंटीबायोटिक यूज करके चलना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये घोल में तैयार किया है बैक्ट्रीमाइसिन। ये 25 ग्राम का पैकेट है जिसपे MRP आता है 108 रुपये और इसकी परफेक्ट डोज होती है, जो 25 ग्राम का पैकेट अगर आप छोटी टंकी में ले रहे हैं स्प्रे के लिए तो 25 ग्राम को आप 3 टंकियों में मिक्स कर सकते हैं, जो 15 से 20 लीटर की टंकियां आती हैं। और वैसे आपको इसकी डोज लेनी है 1 ग्राम प्रति 2 से 3 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ में नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन में लेना है फंगस जनित डिजीज कंट्रोल करने के लिए, वो हमने बहुत ही अच्छा फंगिसाइड लिया है, स्वादीन फंगिसाइड। सुमिटोमो केमिकल्स का ये आता है, और भी आप बहुत सारी कंपनियों का आता है उनका आप ले सकते हैं, केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए। इसमें टेक्निकल कंटेंट है टैबुकेनाजोल 10% और सल्फर 65%, WG फॉर्म में ये आता है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट ये फंगिसाइड होता है। डिजीज की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू है, फ्रूट रोट है, लीफ स्पॉट है, ब्लाइट है, बहुत सारी डिजीज को ये बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। 500 ग्राम के पैकेट पे MRP है 580 रुपये और इसकी परफेक्ट डोज है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें दोस्तों इंसेक्टिसाइड के रूप में हमने लिया है कालिया गोल्ड। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो आपको मालूम होगा कि हम सबसे ज़्यादा कालिया गोल्ड को हमारे प्लांट्स में और वेजिटेबल्स में इसको सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि एक तो ये बायो प्रोडक्ट है, हर्बल बायो इंसेक्ट कंट्रोलर है। तो बायो प्रोडक्ट है तो इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा मिलता है और इसके साथ साथ सभी प्रकार के इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, वाइट फ्लाई थ्रिप्स को भी कंट्रोल करता है, उसके साथ ही लट वगैरह को भी कंट्रोल करता है, स्टेम बोरर, फ्रूट बोरर, इनको भी ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। इसका हम काफ़ी सालों से रिजल्ट देखते आए, बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है। इसके 60 ml की बोतल पे प्राइस है 1050 रुपये और आपके एरिया में कितने में अवेलेबल होता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसकी परफेक्ट डोज है 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करें, यानी कि 1 ml प्रति 2 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करें। और लास्ट में सिलिकॉन चिप को ज़रूर ऐड कर लें, 1 ml प्रति 5 लीटर पानी के हिसाब से आपको सिलिकॉन चिप को ज़रूर ऐड करना है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है दोस्तों, स्वादीन फंगिसाइड, बैक्ट्रीमाइसिन और कालिया गोल्ड। इसमें सिर्फ स्वादीन फंगिसाइड है, उसमें टैबुकेनाजोल है और सल्फर है, ये एक पेस्टिसाइड के रूप में हमने लिया है, बाकी ये दोनों ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं बैक्ट्रीमाइसिन और कालिया गोल्ड।
तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ही कॉम्बिनेशन लेकर के आएं। अगर आप भी अनार की बागवानी कर रहे हैं और अभी आपकी कौन सी स्टेज चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कॉम्बिनेशन को आप अपने प्लांट्स में यूज करके ज़रूर देखें दोस्तों, इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलता है। दोस्तों, आपको अगर आपकी क्रॉप में और भी कोई समस्या है तो क्रॉप की क्लियर फोटो या वीडियो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारा सजेशन ले सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।